अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ PSF स्कॉलरशिप टेस्ट प्रिपरेशन। इंग्लिश पोर्शन में आज हम कंप्रीहेंशंस और प्रपोजिशंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपने रीड आउट करना है और उसी पैसेज में से आपको 4-5 MCQs दिए जाएंगे, आपने उनका आंसर करना है। वीडियो को पॉज करके आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें और फिर क्वेश्चन की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Of the product of human effort, books are the most permanent, important, enjoyable, useful. अगर आप फर्स्ट लाइन देखें, books are by far the most lasting product of human effort. यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है most lasting, जिसका मतलब है permanent, हमेशा रहने वाली। तो पहले MCQs का हमारा आंसर है A permanent। उसके बाद क्वेश्चन है Time does not destroy books because they contain यूज़फुल मटेरियल, सब्जेक्ट मैटर फॉर एजुकेशन, हाई आइडियल्स, ग्रेट आइडियाज़। तो सेकंड लाइन के अंदर आप देखें, टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स। ग्रेट थॉट्स का मतलब है ग्रेट आइडियाज़। तो सेकंड MCQs का हमारा आंसर है ग्रेट आइडियाज़। नंबर 3, टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी मीन्स डिस्ट्रॉय, पुट आउट ऑफ यूज़, एक्सटिंग्विश, फॉरगेट। सेकेंड लास्ट लाइन के अंदर है इफ़ेक्ट ऑफ टाइम हैज़ बीन टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी द बैड प्रोडक्ट। यहाँ पे आउट ऑफ करेंसी का मतलब है पुट आउट ऑफ यूज़, यानी इस्तेमाल से बाहर कर देना या इस्तेमाल ना करना। उसके बाद है द वर्ल्ड कीप्स इट्स बुक्स विद केयर बिकॉज दे ब्रिंग ग्रेट आइडियाज़ टू अस, दे एजुकेट अस, दे मेक अस सक्सेसफुल, दे हेल्प अस इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आप देखें, गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प मैन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। No wonder that the world keeps its books with great care. इसका राइट आंसर है D, they help us in various spheres of life. ये बहुत ही आसान पोर्शन है, आपने सिर्फ पैराग्राफ को रीड आउट करना है और उसके अंदर से आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस के वैसे तो रूल्स होते हैं, लेकिन अगर हम रूल्स करें तो वो कोई 40-50 बन जाते हैं। तो इतने ज़्यादा रूल्स को याद करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप इनके जितने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतने आसान होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQ। असलम लाइक्स टू स्टे डैश होम एंड वाचिंग TV शोज। असलम लाइक्स टू स्टे एट होम। नंबर 2 इज़ द फ्लाइट टू इस्लामाबाद लीव्स डैश 4 PM। द फ्लाइट टू इस्लामाबाद लीव्स एट 4 PM। नंबर 3, ही वॉक डैश द स्ट्रीट। ही वॉक डाउन द स्ट्रीट। Number 4 is she climbed dash the ladder to paint the wall. She climbed up the ladder. Number 5 is I always prefer to read dash the school library. I always prefer to read in the school library. Number 6, he can swim dash the pool. He can swim in the pool. Number 7, sign your name dash the dotted line at the end of the admission form. Sign your name on the dotted line. Number 8, there were thousands of people dash the protest. There were thousands of people at the protest. Number 9, the boys are standing dash the entrance of the school gate. The boys are standing at the entrance of the school gate. Number 10, the school meeting begins dash 4 PM. The school meeting begins at 4 PM.